नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज हमारे मंदिर के सालाने जलसे में आपका स्वागत है और हम आपको बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाएंगे। अरे तुम कहानी सुनाओ, फैसला हम करेंगे कि अच्छी है या नहीं। तो भाई और बहनों, हमारे गांव के बड़े ठाकुर के मंदिर में ये बहुत ही बढ़िया मेला लगता है और ये परंपरा सदियों पुरानी है। इस गांव में इस जलसे का खास महत्व है। आगे बोलो। ये कहानी एक परिवार की है। अच्छा। भगवत गीता में लिखा है, किसी अपने से भी युद्ध करना पड़े पीछे मत हटो। अबे जब लड़ाई ही अपने लोगों से हो तो ऊपर वाला बीच में आके रक्षा काहे को करेगा बे? ऊपर वाले का नाम मत लो वरना खामखा दंगा फसाद हो जाएगा, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। कहीं मेरी ही कहानी ना खत्म हो जाए। भैया तू अपनी कहानी चालू रख। हाँ, जैसे धर्म की रक्षा करना सबका कर्तव्य है, ठीक वैसे ही अपने गाँव की रक्षा करना हर एक परिवार का धर्म है। वो देखो बड़े ठाकुर की मूर्ति कैसे गर्व से सीना फैला के खड़ी है। बड़े ठाकुर, वो कौन है? बहुत साल पहले एक कच्छाधारी गैंग था, शरीर पर तेल और मिट्टी लगा के लोगों पे आक्रमण करते थे, बच्चों और औरतों पर भी दया नहीं करते थे, सबको बेरहमी से मारने के बाद उनका सामान लूट लेते थे। उस वक्त यहाँ ब्रिटिश हुकूमत थी, वो भी हार मान चुकी थी। तभी एक हिंदुस्तानी शेर ने अपनी जान पे खेलकर अकेले ही उनसे लोहा लिया और सबको पकड़ लिया। वो थे जाबाज बड़े ठाकुर साहब। सभी डकैतों को गांव में लाके उल्टा लटका दिया, गुस्से से सबको पीट पीट कर मार डाला। उनका गुस्सा देख के कोई डकैत आसपास भी फटकने की हिम्मत नहीं करता था। गुनाह मानो खत्म हो चुका था, हर तरफ शांति शांति थी। ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड मैकॉले के नेतृत्व में पुलिस कमीशन का गठन किया। ये कुछ 1861 की बात है। सिपाहियों की भर्ती शुरू कर दी गई। बड़े ठाकुर की वीरता के किस्से उनके कान तक पहुंचे। अंग्रेजों ने उन्हें नौकरी के लिए बुलाया और वो यहाँ के पहले पुलिस ऑफिसर बन गए। पुलिस की वर्दी में बड़े ठाकुर भगवान की तरह इस पूरे गांव के लोगों की रक्षा करते। यहाँ तक कि जनता ने उन्हें शिव, विष्णु, महेश के रूप में देखना शुरू कर दिया था। उनकी इतनी विशाल मूर्ति बनाई गई और उन्हें सुरक्षा का देवता कहा जाने लगा। उनके बाद उनके वारिसों ने पुलिस अफसर बन के उनके नाम की आन बान और शान को बरकरार रखा। गांव में हर साल बड़े ठाकुर के सम्मान में एक जलसे का आयोजन किया जाता है। उतना ही नहीं, गांव वाले इस परिवार को बड़े ठाकुर पुलिस वाले के नाम से बुलाते हैं। अपनी मूछों को ताव देते हुए कुमार साहब भी इसी परिवार से हैं और पुलिस ऑफिसर हैं। मतलब अगले साल इनका बेटा पुलिस बनकर इधर चीफ गेस्ट बनेगा, सही कहा कि नहीं? ओए बकवास बनकर, गलत कहा क्या? बेटे की हाइट 2 इंच कम है, पुलिस चांस कैंसिल। अगले साल जलसा होगा भी या नहीं भगवान जाने। अरे खड़े क्यों हो, ढोल बजाना शुरू करो। हे बड़े ठाकुर, आशीर्वाद दो कि हम इस गांव के खुशहाली की रक्षा कर सके। इस गांव की सुख समृद्धि बना रहे ठाकुर। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गर्भद्वजा, इनकी रक्षा करना। पिताजी क्या हुआ? पिताजी हे भगवान, हे बड़े ठाकुर, पीढ़ियों से मिली इज्जत गौरव क्या मेरे साथ खत्म हो जाएगा? बेटा टिंगू पैदा हुआ, इसने पुलिस में भर्ती नहीं हुआ, सालाना जलसा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे माफ कर देना प्रभु। पिताजी शांत हो जाइए, आप ऐसी बातें मत कहिए। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं पुलिस नहीं बन पाया, पर मेरे बेटे को पुलिस बनाकर मैं ये परंपरा निभाऊंगा। बड़े ठाकुर के सामने मैं वचन देता हूँ। पिताजी, मेरे बेटे को पुलिस बनाकर मैं ये परंपरा निभाऊंगा। बड़े ठाकुर के सामने मैं वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ। एक मिनट रुको। हाइट तो हिडम्बा जैसी है। ठीक 4:15 का अलार्म लगाया है, चुपचाप उठ जाना। रेवती, रेवती, अरे मुहूर्त निकल जाएगा। डिलीवरी ठीक 12:01 पर होनी चाहिए, जाओ जल्दी। पुलिस ऑफिसर पैदा।
मेरा बच्चा। शुक्रिया आप सबका। तन्मय ठाकुर। आ गया से। छोटे ठाकुर मुझे माफ कर दो, मैं ये गलती फिर नहीं करूंगी। बड़े ठाकुर का पोता है। अरे मुझे तो राजा मिला, पुलिस की पर्ची किसे मिली? दे दो मुझे। सबसे बड़ा तो राजा होता है, मेरे लिए तो पुलिस ही पावर है। चल अदली बदली कर लेते हैं। तन्मय तू तो पुलिस है ना, मैं से चोर कौन है बता जरा। यही चोर है। लगता है तेरे पास सुपर पावर है। ये! एक मिनट रुको। अरे सर आप क्या कर रहे हो? आप खींचो। एक मिनट आप खींचो। अरे क्या कर रहे हो? आप ही खींच लीजिए। लंबा और नहीं हो सकता। अरे लटकेगा तभी तो लंबा होगा। बहुत लंबा हो रहा है तुझे। बहुत शाबाश। क्या कर रहे हो? चल अंदर। एक दो तीन चार पाँच, बीच में मत बोलो। 6 7 8 9। अरे अंदर जाओ। पापा नहीं, तुम जाओ। ये क्या है? अरे अभी 10 बार और डुबकी लगानी है। मेरे से तो एक भी नहीं होगा। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको। अरे तन्मय तुझे पुलिस बनाने के चक्कर में तेरा बाप का साई बन गया। भाग जा यहाँ से। उस गधे से दूर ही रहना। चल बता। माँ बता। माँ बोल। माँ छोड़ दो। ये सब देखकर डर जाओगे तो पुलिस कैसे बनोगे? आज से तुम किसी चीज से डरोगे नहीं, वादा करो मुझसे। अरे कहाँ से आ रहा है? रुक जाओ। इस साल के एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन की कबड्डी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, 100 मीटर रेस में पहली पोजीशन पर है तन्मय ठाकुर। मेरा होनहार बच्चा। कांग्रेस बेटा, ये बेटा। तन्मय इतने अवार्ड्स जीते हो, कुछ बोलोगे नहीं? स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पायरिंग स्पीच तो दो। माइक के पास आ जाओ। पुलिस ऑफिसर बनने वाले हो, रॉब से बोलो। अच्छी सी स्पीच देना। आप सभी लोगों का यहाँ स्वागत है। लड़की की आवाज में बात कर रहा है। अरे खुद की आवाज में बात करो ना। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरी आवाज क्यों बदल गई? अपने आप आवाज बदल गई। मैं कुछ भी नहीं कर रहा। क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नाम क्या है आपका? तन्मय ठाकुर। वैसे तो नॉर्मल आवाज में ही बात करता है, पर जब भी डरा हुआ हो या बहुत ज्यादा टेंशन में हो या खुश हो तो लड़की जैसी आवाज हो जाती है, और रिलैक्स होने के बाद वापस नॉर्मल हो जाता है। हैप्पी बर्थडे तन्मय। थैंक यू अंकल। अरे मोबाइल फोन। कबड़ी 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 आजा चमक चलो। कबड़ी कबड़ी चल चल अंदर की औरत तो जगा। कबड्डी तो बोल आजा जानू। कबड्डी 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 औरत जा जा अंदर से निकल ले जा जा। आमतौर पे करीब 14 साल की उम्र में लड़कों की आवाज हार्मोनल चेंजेस की वजह से थोड़ा बदल जाती है। कुछ लड़कों में ये आवाज नॉर्मल नहीं हो पाती और पतली ही रह जाती है। मेडिकल साइंस में इसे प्यूबरफोनिया कहते हैं। कुछ लोगों की आवाज गुस्सा आने पर थोड़ी पतली हो जाती है, लेकिन जैसे ही गुस्सा निकल जाता है तो आवाज पहले के जैसे वापस नॉर्मल हो जाती है। पर तन्मय के केस में ज्यादा खुश या ज्यादा गुस्सा होने की वजह से इसकी आवाज बदल जाती है। ऐसा केस हमने पहले नहीं देखा।
वैसे इसके सारे टेस्ट और सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि आवाज लड़कियों जैसी है। हो सकता है ये एक दिन अपने आप ठीक हो जाए। जस्ट होप फॉर द बेस्ट। तन्मय, बेटे को पुलिस ऑफिसर बनाओगे कह कह के उसकी जिंदगी खराब कर दी आपने। बहुत हो गया, अब उसे अपने तरीके से जीने दीजिए। ये तंत्र मंत्र काला जादू इन सब से मैं तंग आ चुकी हूँ। इस घर में अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। मैं किसी की बकवास नहीं सुनूंगा। मैं पुलिस में नहीं जाऊंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा। कैसे मत बोलो बेटा, आपकी वजह से मेरी ये हालत हुई। सब लोग मुझ पे हंसते हैं। मेरा मरने का दिल करता है। बेटा ऐसा मत बोल। बेटा तू मेरा अच्छा बेटा। तन्मय, 5 रुपए कम पड़ रहा है, तू देगा तो। थैंक्स भाई। एक पौवा निकल, ये ले, इसको हिसाब में लिख लेना। क्या पान का दुकान समझा इसको? चल निकल यहाँ से। ओए, बोला ना देसी माल नहीं मिलता यहाँ पे। भाई अच्छे से देखो ना। ए, तेरे को बोला था ना जाए यहाँ से। क्यों जाऊँ, तू मेरा बाप है क्या? नाटक नहीं तन्मय, ये हीरोगिरी कहीं और करना। रोकड़ा रख माल ले। ओए, ठंडा बियर नहीं है, चलेगा क्या? भाइयों, मेरे प्यारे ब्यावड़ो, ये क्या अन्याय है? 7 सालों से जब भी कोटा चाहिए होता यहीं पर आता हूँ मैं। आज उधार पे एक पौवा मांगा तो बोलता रोकड़ा हाथ में रख। बहुत गलत बात बोला है। हिसाब लगाओ भाइयों, पर डे 2 पौवा लिया तो महीने के कितने पौवे हुए? पूरे 60 पौवे हुए। और एक साल के? एक साल के 720 हो गए। एक नंबर। अब 7 साल का कौन बताएगा? यही कोई 4-5 हजार। भाई कच्चा इसका हिसाब कुल 5040 होता है। भाई तू जीनियस है। एक काम कर, तू काउंटर पे बैठ और टकले से चकना बटवा। हर पौवे पे 5 रुपए मुनाफा कमाया तो बताओ 540 पे इसने कितना मुनाफा कमाया? 25,600 रुपए। तन्मय भाई वाह, जियो मेरे कैलकुलेटर, मैंने इस पे 25,000 रुपए लुटाए और उसके बदले एक पौवा मांग रहा हूँ तो मुझे भिखारी की तरह झिड़क रहा है ये। तेरा हिसाब मस्त है। अब बोल 25,000 लौटाएगा या उधार पे पौवा देगा? अबे बचे बाल भी उड़वाएगा क्या? ये ले, फुल हाफ ले। वाह गुरु, मान गए, मान गए। मान गए ना, घर जाके बीवी की भी मान। पी के गाड़ी चलाना मना है, साइकिल चलाना थोड़ी गुनाह है। हे, मैं साइकिल चलाऊंगा पी के, मुझे नहीं कोई रोक। बारे भूतनी के खेत डराते है मेरे को। आवाजें निकालता है, पीकर आया हूँ फुल टाइट हूँ आज मैं। आज तेरी भूतिया पंथी निकाल दूंगा। टायर पंचर किया, इसकी हवा निकली है। मेरी नहीं, हाथ में आया ना तो मुंह से टायर में हवा भरवाऊंगा। आज मैं आम आदमी नहीं, बेवड़ा हूँ, बेवड़ा। ए, किधर है? ए, ये मक्खी की भिन भिनाने की आवाज से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मक्खी की तरह ही तुझे मसल के रख दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ठंडे दिमाग से बात करते हैं। मेरी कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है ये सब मेरे बाप दादा की करतूत है। उन्होंने तंत्र मंत्र किया और इसमें तुम सबका भी हाथ है। लड़की की आवाज इंस्टॉल कर दी। इतना डिप्रेशन में हूँ कि रोज दारू पीता हूँ तुम लोगों की वजह से। तुम लोग तो मरे हुए हो पर मुझे हर रोज तिल तिल मरना पड़ता है। अरे बच्चा बच्चा मुझ पर उंगली उठाता है। हर लड़का लड़की से घबरा के बात करता है लेकिन अगर मैं घबरा हूं तो लड़की की आवाज निकलती है। ऐसा क्यों? तुम सबका टाइम पास हो गया,
और मैं मजाक बन गया, पर अब और नहीं बनना चाहता। इसलिए ध्यान से सुनो, जिस तरह बॉडी में घुस के मेरी आवाज बदली थी वैसे वापस एंट्री मार के मेरा साउंड सिस्टम ठीक कर दो। नहीं किया तो तुम्हारा मरना हराम कर दूंगा। पुष्पा के ठर की पति और उसकी पड़ोसन। आवाज बदल गई। बाप रे, साइकिल क्या फाड़ दे, कल पूरा खंबा उतार के आऊंगा, देख लेना, अच्छा सबक सिखा के रहूंगा। आइए माँ जी, मंदिर के उत्सव में गई थी ना, कब वापस आई? अपने घर भी नहीं गई, सीधे यहाँ पर चली आई। ये सब क्या है? पहाड़ी शहद, देसी अंडा, तन्मय को खिला देना। उत्सव जाकर मेरा दिल खुश हो गया, इतनी रौनक, इतना आनंद, वाह 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 वाह। इसी बहाने दूर पास के रिश्तेदारों से मिलना हो जाता है। बड़े लोग भी दिल खोल के दान पुण्य करते हैं, हर कोई अपना दुख दर्द भूल जाता है। लोग अपनी दुश्मनी भुला के गले लग जाते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढ लेते हैं। और बेटा, तुम भी अगर वहाँ साथ होती तो और मजा आ जाता। माँ, माँ। तैयार हूँ माँ। हाँ, बहुत जल्दी हमारे मंदिर में भी उत्सव मनेगा। अच्छा माँ जी, हम मंदिर जाके आते हैं, आज आप खाना यहीं पर खा के जाना, ठीक है? मेरे बिना ही मंदिर जाओगी? आहिस्ता बोलिए, तन्मय ने मंदिर पुलिस के बारे में कुछ भी सुन लिया ना तो तबाही मचाएगी। बाइक लेके क्यों घूम रहे हैं? क्या करें, इनके पैसों से जो आई है। रात को तुम बार में बाइक छोड़कर आते हो और सुबह सुबह इनको लेने जाना पड़ता है। अब तो आदत सी पड़ गई है, तंग आ गई हूँ मैं भी। तुम मुंह बंद रखो और चल मेरे साथ। गाड़ी की ब्रेक खराब है, इससे कहो ठीक करवा ले। इनकी भीख नहीं चाहिए मुझे, चलता हूँ मैं। सच में नहीं चाहिए? ठीक है, रख लो, भिखारी को दे देंगे। अच्छा, दीजिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, शांताकारं भुजगशयनं, पद्मनाभं सुरेश्वरं, विश्वाधारं गगनसदृशं। तन्मय, इन पेपर्स पे साइन कर दे बेटा। तुम भी ना माँ, जब देखो डाकिये की तरह जॉब एप्लीकेशन पर साइन करवाती रहती हो। वैसी बात नहीं है रे, हमारे देश में परमानेंट जॉब के बिना टेम्पररी वाइफ मिलना भी बहुत मुश्किल है। कोई ना कोई जॉब तो करना पड़ेगा ना तुझे। हाँ बाबा, साइन कर रहा हूँ। यहाँ आओ बेटा, कितनी क्यूट हो। हाय, कैसी हो? ये दवाई टाइम पर लेना, ठीक है? ले लो, अपना ध्यान रखना। ए रुक रुक, गाड़ी लगा, लेके आ जा। लग रहा हो ना एकदम हीरो माफिक। ए, उठाना बैनर को। कौन हो तुम लोग और ये सब क्या कर रहे हो? ये गवर्नमेंट का काम है, हटाओ इसे, पब्लिक को परेशान मत करो। अपना भाई भी गवर्नमेंट है, हर काम में उनका ठप्पा होता है। बोला ना हटाओ बैनर। नर्स मैडम, बच्चों को पोलियो का टीका दे और चुपचाप सरक ले, लिपस्टिक लगा और चलती बन। अपने काम पर ध्यान दे, भाई का बैनर इधर लगेगा। जाकर बैनर हटाओ। Hey, बैनर निकाला तो मैं निकाल दूंगा। ए, कैसी बातें कर रहा है ये? तू रुक, इसकी चर्बी मैं उतारती हूँ। Oh!
लड़की को छेड़ रहा है। अरे तन्मय भाई आप हो क्या, गलती हो गई, इस पचड़े को हटा देता हूँ। चलो चलो बहना निकालो, फटाफट निकालो। सॉरी बहन, गाड़ी निकाल निकाल, जल्दी चल 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 चल। नाम सुनते ही कैसे भाग गए। इनकी धुलाई करने जाने ही वाला था मैं कि बुढ़िया ने बीच में टांग अड़ा दी। ओ बुढ़िया बीच में आ गई क्या? लोग स्टाइल के लिए रुमाल गले में और सर पर बांधते हैं। मैं क्या जानती नहीं हूँ रुमाल तूने क्यों बांधा? तेरी पोल न खुल जाए इसलिए ना। शुक्र मना, उस लड़की और बुढ़िया ने मिलके आज तेरी इज्जत बचा ली। उड़ा लो, उड़ा लो, तुम भी मजाक उड़ा लो। चल चल गाड़ी रोक, थोड़ी देर में लेने आ जाना। अरे कहाँ जा रही हो, बाइक का ब्रेक ठीक करने के पैसे तो दो। अच्छा याद आ गया, भिखारी तो दिखा नहीं कहीं रास्ते में। बहुत हंसी है, ला दो। रिक्शा। बेटे ने फॉर्म साइन कर दिया ना? हाँ हाँ, उसकी माँ हूँ मैं। आग बन के साइन कर दी, ऊपर रेलवे का फॉर्म रखा और नीचे पुलिस के फॉर्म पर साइन करवा ली। साइन तो हो गए, लेकिन एग्जाम में तो वही बैठेगा ना, तब क्या करेंगे? एग्जाम हॉल तक भेजना मेरा काम है, उसे उसमें पास कराना बड़े ठाकुर का। हेलो, हाँ सर, हो जाएगा। भाई ये बताइए, अजीब सा दिखने वाला प्राणी कौन है? ये दिखने में बेशक भालू लगता है, लेकिन दिमाग से शार्प है। लोग एक दूसरे को चेहरे से पहचानते हैं, लेकिन इस आदमी को कहीं से भी पहचाना जा सकता है, खासकर इसके बाल और गंदी सी स्माइल से। हाय, देखने में ये टेडी बेयर है, लेकिन मेरे लिए ये ठंडी बियर से कम नहीं। ए, दिन भर अपनी चमकाता रहेगा। ए, ब्लू कमीज, तू है बड़ा ही बदतमीज। मेरी बुद्धि को हराने वाला दुनिया में एक ही बंदा है, और वो मैं खुद हूँ। शर्ट तो चमक रही है, फिर से किसी का खून चूसा क्या? ऐसी बात नहीं है सुरमा, एक इंश्योरेंस कंपनी को 100,000 नाम और टेलीफोन नंबर्स अपने ऑफिस के डेटाबेस से दे डाला। बस उन्हीं पैसों से शर्ट खरीद डाली और क्या। और ये गोल्ड चेन? हाँ ये भी उससे ली। ये भी? छोटे ये डेटा का फंडा समझाना, लाइफ में चेंज चाहिए। तकदीर बदलने वाली है, किस्मत खुलने वाली है। किसकी बे? तेरे सामने खड़े गेंडे की और किसकी? तेरे पपीते जैसे मुंह की पेशानी पे लिखा है, मतलब पवित्र जैसे मुंह पर लिखा है। और लिखा है? दिख रहा है तेरे को? ये मैं नहीं बच्चा, तेरी तकदीर कह रही है, किस्मत कह रही है। अगर गहराई में देखूं तो तेरे भाग्य में 8 है। 8 × 8 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 8 = 8। चेक कर लेता हूं। ये मुझे छोड़िए, भगवान पर भी विश्वास नहीं कर रहा है। अब तो मान जा बच्चा। अरे वाह। हेलो हेलो, कुछ बोलो बात। प्लॉट नंबर 8, गली नंबर 8, 8 बजे जल्दी पहुंचो। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। ये 8 नहीं लगाएगी तेरी वाट। पैसे मिल जाएंगे? हाँ पक्का पक्का। चाय तो पिला दे। ए बाबा चाय क्या पियोगे, कॉफी पिलाता हूँ ना, जा मेरे नाम पे पी ले। ए, ये रहा 8 नंबर, लेफ्ट ले। सुनो भैया, मेरा मामा गुजर गया। ये तो सॉलिड बेवड़ा लगता है। ए, अंदर जाना मना है, मेरे मामा कट लिए, बहुत बढ़िया आदमी थे। क्या बक रहा है, मर गया? अरे थे, इसको आज ही टपकना था। मरे वैसे रिकवरी कैसे करूंगा? तुम्हारा कितना हुआ? 5,000। क्या बात है, मरने के बाद भी सेटलमेंट के लिए बोला है। उसे लिस्ट में मेरे फ्रिज का भी पैसा होगा। बजा बैंड वाला आया, पैसा दे इसको। बैंड वाला? तेरा बाप होगा बैंड वाला। बैंड वाले को सबसे आखिर में चप्पल गंजो बैंड वाला दिखता हूं। अच्छा कबर खोदने वाला जूते वूते पहन गया? क्यों कबर खोदने वाला जूता नहीं पहन सकता? अबे छिले वे सड़ेले आलू, बैंक से आया हूं मैं। दिखते तो नहीं हो भाई, तुम्हारी दिक्कत क्या है? ए फ्रिज का पेमेंट दे। फ्रीजर का पैसा ना? ओए फ्रिज के पैसे मांगे, टाइम तो लगेगा ना। ए फ्रिज का पैसा नहीं मिला ना, उसमें रखा सड़ेला सामान गटर में फेंक के फ्रीजर साथ में ले जाऊंगा। क्या? अरे बाप रे, फ्रिज का फ्रीजर कह दिया। मेरा मामा सड़ेला सामान है। मेरा मतलब वो नहीं था भाई। गटर में डाल के फ्रीजर लेके जाएगा? ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा बेवड़े। हेलो कुछ बोलो मत, प्लॉट नंबर 8, गली नंबर 8, 8 बजे जल्दी पहुंचो। आमने सामने बैठ के बात करेंगे ना। तूने मुझे एड्रेस दिया? चाचा जी ए, डाल डाल जल्दी डाल। चाचा जी ऐसे कैसे चले गए, बिना स्टेटस अपडेट किए चले गए? फॉरेन ट्रिप पे नहीं गए जो स्टेटस अपडेट करते? क्यों गलत बोल दिया? कितना बड़ा दिल था इनका, पूरे शहर को कर्ज बांटते थे। अबे रोतड़ू, पूरे शहर का कर्जदार है ये, एक फ्रॉड को महान बता रहा है। ए, मेरे मरे हुए चाचा को फ्रॉड बोलता है? सोशल मीडिया के अलावा उनका कहीं अकाउंट नहीं था,
मैं इन पे इतना भद्दा इल्जाम नहीं लगने दूंगा। बोल कितना उधार है? अरे तुम शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे बाप के पैसे तू क्यों चुकाएगा? कितना देना है? सिर्फ 13,000। पेमेंट मांगने से पहले सिचुएशन तो देख लिया कर। मैं टाइम पे नहीं आता तो बहुत पिटता तू। एक बात कहूँ, मार खाने में उतना दर्द नहीं हुआ जितना दर्द तेरी एक्टिंग में था। ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस था भाई, सुपर हिट। सही बोला। ये सब आपको खाना पड़ेगा। अरे मुझसे नहीं हो रहा। 7 सालों से यही बहाने सुन रही हूँ तुम्हारे। तेरा रूठा हुआ 7वां प्यार तुझे 7 दिन में मिल जाएगा। ये 7 7 7 2 14 तेरा लकी नंबर 7 है बुड्ढी। देखना तेरी लगेगी। लड़ अब तेरी लगने वाली है बेटा। बुड्ढे चल फूट ले वरना पति के आगे भांडा फोड़ दूंगा। सत्यानाश हो तेरा। अबे अच्छा भला मैं सीधे काम पे जा रहा था, 8 नंबर का गुट्टी देके वहाँ 8 लोगों से तूने पिटवा दिया मुझे। ये ले। मेरी लग गई। एक छोटा सा गेंद है, तुम मुझे पसीन दो, मैं उस गेंद को छुपा कर रखता हूँ। शुरू करें। अबे जल्दी चिंपांजी। गेंद अब मैं नहीं दूंगा। पाल की दुकान किधर गया? ये तो कितनी क्यूट लड़की हो। लगता है असली सोना है। 10,000 का तो होगा। हे हे निवेदा, व्हाट्स दिस? चिल्ला क्यों रही हो? सॉरी डॉक्टर। पुलिस वाला ठाकुर, कल्टी मारो, भागो। अब आएगा मजा। अरे नानू के पीछे पड़ गए। अरे घोसला सामान दो, भी सामान रास्ता बना दिया। ये मेरा बैग है। हाँ आपका ही है, बिल्कुल सही जवाब। ये बैग देने के लिए पूरा हॉस्पिटल छान मारा। कहाँ चले गए थे? जल्दी जल्दी बोल रहे हो, जाना है कहीं? बेटा पैदा हुआ है। तुम्हारी बीवी को? नहीं नहीं, मेरी सास को। मुबारक तो बोलो। पागल लगती है। डॉक्टर इनसे नहीं हो रहा है। मैं मदद करूँ क्या? मेरा मतलब था कि मैं आपकी दूसरे इलाज से मदद कर सकता हूँ। इसे पूरा भर के ले आइए। डॉक्टर डॉक्टर, 2 जन्म लग जाएंगे। ये तो मेरा है, इसमें ले आइए। अब ठीक है, अब लेके जाइए। ए पेड़ो का डैनी, यहाँ से कोई बाबा गया है? मैंने ध्यान नहीं दिया भाई। अबे तू बीवी पे तो ध्यान देता है ना? कुछ नहीं करता। छुपने का ठिकाना मिल गया। आज से तू और तेरा ज्योतिष दोनों बन गलत नंबर बताता है। 8 गलत बोल दिया था। 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। ए अंदर कौन है? बाहर निकलो। क्या है? चुप करना, 2 मिनट रोक नहीं सकती। ए चले वे करे ले, निकल बाहर। खड़े क्यों हो? अंदर तो जाओ। अच्छा वो इतनी जल्दी काम हो गया? डब्बी तुम्हारे पास है? अच्छा ये ले। सारे नंबर निकाल। गलती हो गई। अरे यार ये तो कलेक्शन के लिए मेरा पीछा करते करते हॉस्पिटल तक पहुंच गया। ये मरम पट्टी कहाँ होता है? सीधे जाओ और मॉर्चरी नीचे है, अंदर एक बॉडी है, ठिकाने लगा दो। चल डॉक्टर। क्या प्रॉब्लम है? लोन का पैसा चाहिए। हा? चल हटा। कैसे पहचाना मुझे? इतनी बड़ी बड़ी आँख है तुम्हारी, पहचानूंगा नहीं क्या? और सुन, कलेक्शन के लिए नहीं आया हूँ, पेशेंट हुआ। क्या हुआ है? एक मैयत में गया था, वहाँ मेरी मैया बहन हो गई, थोबड़ा तोड़ डाला मेरा। दवा दारू के साथ मिट्टी दे दे। बच गए। इसी तरफ आया था। भाग भाग के थक गया, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, अब मुझे कोई नहीं देख पाएगा। दुख रहा है क्या? हाँ, तू डॉक्टर है कि पहलवान? चल प्यार से दबा। अरे नागपाल, डॉक्टर साहब बुला रहे, जल्दी आ। ए रुकना, आ रहा हूँ। बॉडी को बाद में संभाल लेंगे। क्या बॉडी? मेरी बॉडी कब बनी? पुलिस वाला, चुप जाओ। फोन भी नहीं लग रहा उसका। क्या डॉक्टर ने? EMI टाइम पे दे देना, चलता हूँ। थोड़ा पानी। भाग भाग के थक चुका हूँ। ये लो, इस चेन ने मेरा चैन लूट लिया भाई। आज के बाद मैं वादा करता हूँ कि ये चोरी चकारी सब छोड़ दूंगा। निकल लो सा। थैंक यू सर।
सोना चेन चुरा के भागा था, एक छोटी बच्ची की है। ये चेन। थैंक यू सर। ए, बात करना है क्या? ए, ग्रीन ड्रेस मैडम, ये आपसे शादी करना चाहता है। यार, अरे आप जाओ, रुक जा दूल्हे राजा। मैं किसी की बकवास नहीं सुनूंगा, मैं पुलिस में नहीं जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या हुआ, अकेले क्यों बैठे हैं? पिछले 12 सालों से तन्मय ने मुझसे बात नहीं की। उसका गुस्सा जायज है। किसी भी जवान आदमी की आवाज लड़की जैसी हो जाए तो वो यही करेगा। उस पर क्या गुजर रही है ये तो वही जानता है। मैं पिताजी को दिए वचन को निभाने की कोशिश करता रहा और इसी कोशिश में अपने बेटे की क्या इच्छा है ये मैं नहीं समझ पाया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, बेकार ही परेशान हो रहे हैं। आज की जनरेशन हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उन्हें लाइफ में क्या चाहिए अच्छी तरह पता होता है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, आपका वादा पूरा होगा, ईश्वर खुद रास्ता निकालेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, प्लीज बैठ जाइए। लेदर प्रोसेसिंग के लिए जगह ढूंढ ली आपने? रानी खेत के पास 2 जगह हमने सिलेक्ट की है सर। ये जगह बहुत बड़ी है लेकिन एक मंत्री के कब्जे में है सर। इस वक्त खाली है ना? हाँ सर। अगली जगह दिखाओ। ये तो कोई मंदिर है? गांव वालों का नहीं है सर, वो एक प्राइवेट फैमिली प्रॉपर्टी है। मंदिर किसी भी फैमिली का हो सकता है पर भगवान में आस्था सबके लिए एक है। तो फिर उसी खाली जमीन MLA की जमीन का कब्जा लो। मंदिर के चारों तरफ पहाड़ी होने की वजह से लेदर पॉल्यूशन फैलने का भी डर नहीं है और मंत्री जी की जमीन के आसपास खेत भी हैं तो किसानों को नुकसान पहुंच सकता है। नो, देखो ये वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, किसी की हानि के लिए नहीं। किसानों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई और जगह देखो। सर 20 सालों से मंदिर में कोई पूजा नहीं हुई है, ना कोई फंक्शन हुआ है ना ही मेला। सर इस मंदिर की एक प्रथा है, मंदिर में पूजा तभी होगी जब वहाँ के एक बड़े ठाकुर के परिवार से कोई पुलिस में भर्ती हो। वहाँ आखिरी पूजा तब हुई थी जब उसी ठाकुर परिवार के कुमार ठाकुर पुलिस में भर्ती हुए थे, पर उनका बेटा पप्पू ठाकुर पुलिस में भर्ती नहीं हो पाया और उसका बेटा तन्मय पुलिस में भर्ती नहीं होना चाहता। तो अब तो ये तय है कि अगले 20-30 सालों तक इस मंदिर में कोई पूजा नहीं होने वाली। हम उस जमीन के बदले उन्हें कहीं और दे देंगे। ओके, उनसे डिटेल में बात कर लो और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाओ। क्या बात है बॉस, हमेशा पिटने वाला सूरमा आपकी वजह से पेमेंट लाने लगा। एक कैंपागोला, बैठ जा। सूरमा क्या है? वो तुमने डेटा एक्सचेंज के बारे में पूछा था ना, एक आया है। सब बकवास है, जॉनी को आधार कार्ड का डेटाबेस दिया था, अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए। ए तूने जो डेटा दिया था वो जॉनी को ऑनलाइन ही मिल गया है। ये डेटाबेस एक्सचेंज का चक्कर क्या है? कुछ खास नहीं है रे, तुझे कॉल्स तो आते होंगे क्रेडिट कार्ड के लिए, पर्सनल लोन के लिए, बोले तो फुल टू टॉर्चर। और तो और बिल्कुल शहर से सटे हुए एकदम आधे दामों में सेकंड होम या फार्म हाउस के सपने दिखाएंगे और बॉडी पेन हो तो लड़की घर आके मसाज देगी। उन्हें अपना नंबर तूने तो नहीं दिया ना, ना ही अपना एड्रेस प्रूफ दिया है। और मैंने रिश्ते वाली को तेरा नंबर दिया था। अरे विघ्नेश समझाना इसको। बात बहुत सिंपल है, देख मार्केटिंग कंपनीज को ये नंबर्स मिलते हैं मोबाइल कंपनीज, बैंक से, मैन पावर एजेंसी से। ये डेटाबेस बेचने और खरीदने का बिजनेस तो सालों से धड़ल्ले से चल रहा है। हेलो, क्या समझती है तू अपने आप को? लोन लेके तुम मुझे दौड़ा रही है, कस्टमर है कि सीक्रेट की भिखारी? लोन चुकाने की तेरी औकात नहीं है और उन पैसों से बॉयफ्रेंड के साथ डिस्को जा रही है। बातें मुझसे मत किया करो। जब लोन पर्सनल है तो बातें भी तो पर्सनल ही होंगी ना। तो मैं क्या करूं? शीशे के सामने रोज सुबह शाम नाचा कर और तुरंत लोन के पैसे चुका। अगर तू एक बाप की बेटी है तो। तू एक बाप का बेटा है तो मुझसे पैसे मत मांग। तो इस वक्त है कहाँ तू? अभी आ रहा हूँ मैं, लोकेशन तो भेज। बाप पे जाती है। ये कौन सा तरीका हुआ? ए, तुझसे 150 रुपए उधार लिए थे, लौटाने में लेट हुआ तो भर भर के गालियां दी थी ना। बस मेरा इमोशन भी वही है, अगर कलेक्शन नहीं आया तो मेरी पगार कटेगी तेरी नहीं। हे, क्यों रो रही है? वो यहीं आ रहा है ना, पर्सनल लोन लिया है तो कुछ भी पर्सनल बकेगा। हम डिस्को जाए तो उसे क्या प्रॉब्लम है?
आज ऐसा कुछ करेंगे कि उसकी अगली 7 पुश्तें पैसे लेने किसी के भी घर नहीं जाएंगी। ले प्रिया, पेपर स्प्रे लेकर आ। ठीक है, ये लो। गुड। एक बेडशीट भी लेकर आ तू। ओके। और तू आयरन रॉड लेकर रख। ए, मर्डर केस ना बन जाए। ये तो है यार। ठीक है, पोछे वाला डंडा लेकर आ। ओके। और तू जैसे ही वो आए उसे पीछे से कस के पकड़ लेना। अरे नहीं यार, उसे पकड़ने से अच्छा है कि उसके पैसे लौटा दूं। एक फूटी कौड़ी भी दी ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके ओके। यू ऑल रेडी? रेडी हो? ओके ओके। कम इन। हे, व्हाट कम इन? कहां गए वो? हां, हे, किसने पकड़ा मुझे? तू चेता हां। ज्यादा डालो। क्या कर रही हो? डंडा सिर पे मारो, अच्छे से, छोड़ना मत। बेल बजा रहा है कोई, दरवाजा तो खोलो। ये रिहर्सल थी, ऐसे ही करना। हां ठीक है, दरवाजा खोलो। जाओ के खोलती हूं। तुम तैयार रहना। इतना सन्नाटा क्यों है? Hey! अरे बाप रे, वो गेंडा यहाँ तक पहुँच गया। पूछ रहा था ना कि गाली क्यों दी, अब खुद देख लेना अपनी आँखों से उनकी हरकत। तुम सब तैयार हो ना? जैसे प्लान किया था। ओके। कम इन। कितनी बार कम इन? तू अंदर जा। वो लोन का ईएमआई जो स्प्रे मारो। स्प्रे कर रही है। ये तो कोई और है। छोड़ो। अरे छोड़ो, उसे क्या कर रही है? परीक्षण के लिए मैं आया हूँ, मुझे क्यों बांध रहे हो? क्या कर रही है? ए, अबे क्या पपी शपी ले रहा है? चल हट। I'm sorry. ए, ठरकी आदमी, जानता हूँ तुझे मैं। बोल तो हम पांचों बाहर चले जाएं, हैं? क्या? ओ, छोटा वाला आया है। लड़की के छूते ही सूसू आ गई। पप्पी मिल गया, अब क्या करेगा? ए, जल्दी करना, हमें निकलना भी है। बाल बाल बच गया। ठीक है। हेलो। अरे ऐसी प्यारी फुलझड़ी अपन को कहाँ मिलेगी? लता की बेल की तरह लिपट गई। रोमांटिक डायलॉग बोलने का मौका था, अपन की आवाज ने धोखा दे दिया। गोल्डन चांस मिस हो गया। ये अपन को टेंशन क्यों हो रहा है? ये अपने इम्प्रेशन की तो वाट लग गई है। हेलो हेलो। शांत गदाधारी भीम। हेलो हेलो। हाँ हेलो हेलो हेलो। ए, नेटवर्क नहीं मिल रहा क्या? बारा अब ठीक है। एक्सक्यूज मी, सॉरी, मुझे लगा सूरमा है इसीलिए ये सब किया। मेरी फ्रेंड के साथ बदतमीजी की थी इसने, इसीलिए उसे शॉक ट्रीटमेंट देना था। वेरी सॉरी। हाँ, मेरी इज्जत नहीं है क्या? ये क्या, सर को आना पड़ा? यानी कि पूरी गलती तुम्हारी है। लोन लेते हैं तो चुकाना भी तो पड़ता है, तो। उसके बदले तुम उन्हें सता रहे हो, कितनी गलत बात है। ये क्या कह रही है? मैंने इन्हें कितना समझाया था कि ये अन्याय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी सुनती कहाँ है ये लोग? ए, चलो सब लोग मिलके सॉरी बोलो इनको। चलाटा। लोन का अमाउंट ही नहीं, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा, समझी? क्या कर रही है? प्लानिंग तेरी थी, अब तू पलट गई। पैसे नहीं है क्या? इतनी सी बात, अरे पहले बताना चाहिए था ना। रुक जाओ। कहाँ जा रही है? चल पैसे लेने। ये लीजिए सर। चला इधर दे। याद रखना, हमेशा टाइम पे ईएमआई भरना चाहिए। लेट किया तो मेरी दादी मच्छी मार्केट में काम करती है, उनसे माँ बहन की भर भर के गालियाँ दिलवाऊंगा, समझे ना? इस लड़के को क्या घूर रही है? अबे बाथरूम का राज खोल दो क्या? चल बे। अरे गेंडे चद्दर दे। दूंगा तो शादी कर लेगी क्या? ईएमआई टाइम पे भर। गोली चला। कबाब में हड्डी। ए सुरमा, पकड़ लिया मैंने। पकड़ ले। ऑफिस में क्या करने आता है बता जरा मेरे को। देख नहीं रहा, लव का बांध चला रहा हूँ। अबे चेयर के बजाय टेबल पर बैठा हुआ तू ढक्कन। ए टेबल हो या चेयर, ऑफिस के अंदर ही हूँ बॉस। इस तीर का क्या करूँ मैं? किसी को जाके दान दे दे, जा। बोला ना जा। मैनेजर है तो क्या, बाढ़ पकड़ेगा? हाँ, इनका स्क्रू ढीला है। तू अपना झमेला चालू रख। हेलो हेलो सूरमा सर, आप ठीक तो है ना? हाँ, अगर ठीक नहीं रहूंगा तो मेरा मसाज करोगी? कौन बोल रहा है?
क्या सर, इतनी जल्दी भूल गए मुझे? याद कीजिए, आपके फेस पर पेपर स्प्रे किसने छिड़का था? अच्छा, वो काली मिर्च, उसे तो मैं टोस्ट पे मलमल के चबा चबा के खा रहा हूँ। बात क्या है बोल? क्या सूरमा जी, इतने इरेस्पॉन्सिबल हैं? हेलो, मेरे मैनेजर वाला डायलॉग मत बोल। आप तो पेमेंट लेने भी नहीं आए। क्या चल रहा है इधर? भिखारी की तरह अपने पैसे मांगे तब तो दिए नहीं तुमने। अब सामने से फोन करिए, बात क्या है? वो एक काम कीजिए, यहीं पर आ जाइए और साथ में अपने दोस्त को भी लेकर आइएगा। मेरी सैलरी पर वो क्यों ड्यूटी करेगा? सुरमा जी, अपनी फ्रेंड के पैसे जैसे मैंने चुकाए थे ना, तो आपका फ्रेंड आपका काम करेगा। डील ओके समझो? डील ओके मतलब? तेरे को जाना है? मैडम, कलेक्शन एजेंट हूँ मैं, कनेक्शन एजेंट नहीं हूँ। इतनी खुजली है ना, तो खुद ही जाके मिल लो। इसने कट क्यों कर दिया? आग तो तुमने लगा ही ली, जल्दी सुलगना शुरू हो जाएगी। लिपस्टिक लगा के तू लगती है सुंदर, मेरे दिल के अंदर उछलता है बंदर। आ गया, आजा। क्या बात है, मेरा तरबूज बड़ा चहक रहा है। मेरे दिल के अंदर उछलता देखो बंदर। बकवास, पूरा तुझ पर गंदा आदमी, पता नहीं कहाँ से आया। ना यार, मेरी सोनापन का टाका भिड़ गया। वो कैसे? वो क्या है ना, एक छोकरी ने लोन लिया था, फिर पिटवा दिया। ये माई के बदले अपना दिल दे बैठी। कोई मस्त गिफ्ट बताना यार। शहर लेके क्यों नहीं जाता? उस शकल वाले तो गोलमटोल भालू। अरे मतलब टेडी बेर। टेडी बेर? हाँ, टेडी बेर सही है। अच्छा, इतना बड़ा देने के बाद मैं क्या करूँ बता? यार ले लिया ना, चुपचाप पी जा। तीसरा मरता भी नहीं है तो आइडिया रोक के रखना। शगुन का नारियल फोड़ मंदिर में? नहीं रे, पब्लिक में। बेचारे को मसाले की तरह क्यों कूट दिया? मेरे दूर का मामा है, जिधर भी जाता हूँ कंस की तरह मेरे पीछे पीछे आ जाता है। ये सब छोड़, अरे छवि के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ, हेल्प करेगा? कॉर्नर टिकट ला दूँ? वो तो वो ले चुकी है। एक सेकंड, कोई अनीता है यार, ना तो लोन चुकाती है ना ही EMI देने को तैयार होती है। मांगो तो गाली देती है, अब गाली के बदले गाली नहीं दे सकता यार, प्रेग्नेंट है। और मुझे आज मूड नहीं खराब करवाना, पुलिस फैमिली का रोब दिखा के तू ये लोन क्लियर करवा दे, शाम को इसे पिक कर लूंगा। डार्लिंग वेट कर रही है। एड्रेस तो बता। विघ्नेश से पूछ ले। आप कौन? हेलो मैडम, आई एम तन्मय, DCDC बैंक से हूँ। आपका एक लोन पेंडिंग है। सेटलमेंट लेटर लाए हो अपने साथ? सेटलमेंट लेटर इस वक्त तो नहीं है। हेलो, और कितने लोग आएंगे यहाँ? सबको एक ही बात बतानी पड़ती है, रूल्स वुल्स के बारे में पता है कि नहीं आपको? क्लाइंट की हिस्ट्री जाने बगैर ही मुंह उठाए चले आते हो। वो क्या है कि आज ही मुझे आपकी फाइल मिली है। आपका पेंडिंग लोन का अमाउंट 16 लाख है, पर सेटलमेंट लेटर नहीं है इसमें। तोते की तरह अमाउंट रिपीट मत करो, मैंने पहले ही बताया था कि मेरे हिसाब से 6 लाख है, वो मैं पे कर सकती हूँ। अगर तुम लोग राजी हो तो सेटलमेंट लेटर लेकर आओ। अब जाओ यहाँ से। पानी पिला सकती है अगर एतराज ना हो तो, प्लीज। ये आपके लिए, पीजिए। पी लो बहन, रिलैक्स हो गई। देखिए, गुस्सा खराब चीज है, खासकर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसे सब बुजुर्ग कहते हैं। इतनी खांसी हो रही थी इसलिए आपके लिए पानी मंगवा लिया। कंसर्न के लिए थैंक्स, अब आप जाओ। एक मिनट बहन, मुझे लगता है आपका गुस्सा जायज है, जब खुद की कोई गलती ना हो तो गुस्सा तो आएगा ही। आपकी फाइल्स आज ही मुझे, सॉरी मैं टेक्निकल चीजें बताने लगा, वैसे मैं इस केस के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे अपना केस समझा देंगी प्लीज? मैं बैंक और आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देना चाहता हूँ। मेरे हस्बैंड ने लोन लिया था और उनकी डेथ के बाद मैंने ड्यू पे किया था। मेरे हिसाब से तो 6 लाख ही बाकी हैं, पर बैंक वाले टर्म्स एंड कंडीशंस का हवाला देकर 16 लाख मांग रहे हैं। एक होम लोन के बदले ये लोग 2 घर का पैसा वसूल करेंगे क्या? ये तो न्याय नहीं है। लोन क्या लिया, इन्होंने तो अपना गुलाम ही बना लिया है। कितना लूटेंगे ये पब्लिक को? एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं दूंगी, कोर्ट में भी जाना पड़ा तो जाऊंगी, लेकिन इनका खेल और ज्यादा नहीं चलने दूंगी। बोलो तन्मय। मेरी क्लाइंट है, बहन जैसी है, उनका नाम अनीता है। देखो, हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ से पैसे लेना गलत तो है, लेकिन ये बैंक्स और कलेक्शन एजेंसीज RBI रूल्स फॉलो नहीं करती। एक्चुअली इस तरह के लोन पे इंश्योरेंस होता ही है, लेकिन ये बात कस्टमर को एजेंसीज और बैंक्स ज्यादातर बताते नहीं है, और इस बात का फायदा उठा के लोगों को लूटते हैं। तू एक काम कर,
उनसे बोल मुझे डिटेल्स व्हाट्सएप कर दें, मैं देखता हूँ। ओके ओके जॉनी, थैंक्स। आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वकील को अपनी सारी डिटेल्स दे दीजिए, वो संभाल लेगा। चलता हूँ बहन। सर एक मिनट। वाह बहन, सस्ते में निपटा रही हो। आज तक यहाँ जितने भी लोग आए ऐसे बर्ताव करते थे जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ। आप पहले हो जिसने मेरी बात ध्यान से सुनी और मुझे इसका सलूशन भी बताया। एक फायर एक्सीडेंट में मेरे हस्बैंड की मौत हो गई। उनके जाने के बाद मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आज आपने जो मेरी मदद की है उससे अब मुझे अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो अब जीने के लिए मेरा ये बच्चा है और अपने हस्बैंड की यादें हैं। 10 अनाथ बच्चों को गोद लेना चाहती हूँ और इस बड़े से घर में छोटा सा ट्रस्ट चलाऊंगी। ये मेरे हस्बैंड का सपना था और यही अब मेरे जीने का मकसद भी है। जल्दी इसे सच करूंगी। 10-15 बच्चों की माँ बनूंगी और टीचर भी। एक बड़ी फैमिली होगी, तब हम सबसे मिलने आना भैया। हेलो। ये हमारा मंदिर है, तोड़ने की परमिशन किसने दी? सर मंदिर तो आपका ही है पर जमीन सरकारी है, हमें किसी की परमिशन नहीं चाहिए। यहाँ पिछले 100 सालों से पूजा होती आ रही है, ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं आप? देखिए हमने पूरा सर्वे कर लिया है, कभी यहाँ पर हुआ करते थे लेकिन अब नहीं होती। पूजा ना होने की वजह से अब यहाँ पर आने जाने की किसी की कोई वजह नहीं है, इसलिए सरकार ने अब ये डिसाइड किया है कि ये जमीन पब्लिक के काम में आएगी, हमें हमारा काम करना है। मंदिर से किसे तकलीफ है? लोगों के हितों की रक्षा करना सरकार का काम है। जानते हैं ये कौन है? यहाँ सरकार बनने से पहले यही गांव की रक्षा करते थे। आज तक लोग इन्हें भगवान मान के इनका पूजा करते हैं। इनके बाद इनकी हर पीढ़ी का नौजवान पुलिस बन के लोगों को मदद करते रहे। गलत इरादे से कोई बदमाश गांव में पैर भी नहीं रख सकता। बड़े ठाकुर का नाम सुन के दुम दबा के भाग जाते हैं। यकीन नहीं आता ना? अरे भाई साहब, मैं दावे से कह सकती हूँ यहाँ सालों से एक भी जुर्म नहीं हुआ जो बाकी गाँव में हो रहा है। ये सब इस मंदिर की वजह से है। इसे हटाने आए हो ना, मेरी लाश से गुजर कर इसे तोड़ना पड़ेगा। आ जाओ। मेरी बात सुनिए। सर आप ऐसे बात करेंगे तो बात बिगड़ सकती है, हम लोग हैंडल करते हैं। सब लोग सुन लो, ये सरकारी ऑर्डर है, इन्हें अपनी ड्यूटी करने दो, नहीं तो सरकारी काम में दखल देने के जुर्म में तुम सब गांव वालों को अरेस्ट कर सकता हूँ। सर आप एक बार हमें अरेस्ट करके तो दिखाओ। सर हम अपने हक की बात कर रहे हैं, थोड़ा कायदे से बात कीजिए। बात करके टाइम वेस्ट करो, फोर्स को ऑर्डर दो और भगाओ इनको यहाँ से। चार्ज। अरे अरे अरे, चलो चलो, चलो बुलडोजर मेरे ऊपर चढ़ाओ, फिर मूर्ति को हाथ लगाना। मैं पुलिस में भर्ती होऊंगा। तन्मय, वो मैं आपसे बात करना चाहती थी। हाँ?
मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है? अरे तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा है, जब भी अपना भाई हैप्पी सैड एंग्री असेंटी हो जाता है ना, गले के स्पीकर से ना लड़की की आवाज निकलती है, इसीलिए पास आने से डर रहा है। पर तुम पे पूरी तरह लट्टू है। एक बात सच कहूं, ये लफड़ा दूसरी लड़कियों के सामने नहीं होता है, तुम्हें ही देखकर इमोशनल अत्याचार हो रहा है इस पे। हेलो, मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। मेरे लिए काम करता या फिर इसके लिए? गाड़ी को ठीक इसके सामने क्यों रोका? अब इसकी गंदी शक्ल देख के उतरूं क्या? चल गाड़ी थोड़ी आगे ले। सर, स्क्वाड अटेंशन। एसआई के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का इस फिजिकल कैंप में वेलकम है। पेरेंट्स यहीं वेट करें, कैंडिडेट्स अपने सर्टिफिकेट्स लेके अंदर जा सकते हैं। यही इस रेंज के डीआईजी हैं, इनका नाम तिलक राज है, सिलेक्शन यही करेंगे। सर, एसआई सिलेक्शन 120 कैंडिडेट्स रेडी। सर शुरू करो, शॉर्टलिस्ट करके लिस्ट मुझे भेजना। सर मैं खुद चेक करूंगा। सर वेरिफिकेशन हो चुके हैं, फिजिकल सेशन शुरू कर दें? हाँ बोलो शुरू करने के लिए। रेडी प्रोसीड। ऑन योर मार्क गेट सेट। एक्सेलेंट सर, उस कैंडिडेट ने 11 सेकेंड्स में रेस पूरी कर दी। वैसे आपका रिकॉर्ड 11.2 सेकेंड्स का है ना सर? क्या बक रहे हो तुम? हाँ सर, आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। वाह, 6 फीट क्रॉस कर लिया। स्टार्ट। क्या बात है? 7.2 सर। सर 7.2 सर, नया रिकॉर्ड है। वेरी गुड। हाँ सर। सर आपने कहा आपका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, उसने तोड़ दिया सर। पुलिस का नाम रोशन करेगा ये। जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उन्हें इस महीने की 30 तारीख तक एसएमएस और फिर पोस्टल लेटर के द्वारा सूचित किया जाएगा। अब जा सकते हैं आप लोग। एक्सक्यूज मी सर। वेल डन मिस्टर तन्मय, बहुत अच्छा किया। थैंक यू सर, इतना टैलेंटेड कैंडिडेट देखने को मिला। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ट्रेनिंग में मिलते हैं। जी सर, थैंक यू, कीप इट अप। ए तू, सर कौन से ड्रग्स लेता है तू? ड्रग्स निकोटीन, एक्सिकोटीन और या फिर डिमोक्सिन जैसा कुछ? सर मैं ड्रग्स वग्स कुछ यूज नहीं करता हूं। बहस कर रहा है मुझसे? सॉरी सर, पर सच तो बोलूंगा ना। दोले शोले बना लिए तो क्या मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा? जानता है मैं कौन हूं? कंप्लीट स्पोर्ट्समैन। भाई सब छू के देख। अरे बोला ना छू। अरे पकड़ना।
तुझसे 25 साल मैं बड़ा हूँ, कैसे किया ये? अच्छा मैं नहीं जानता, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ मैं। अब क्या बोलूं तुम? मेरा रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन है। चल बता कौन से ड्रग्स लेता है, बोलना कौन सा ड्रग लेता है। सर सर। तुम कौन हो भाई, तुम इसे ड्रग सप्लाई करते हो क्या? सर मैं इसका पिता हूँ। घूर क्या रहा है मुझे? बेटा शांत रहो बेटा, अपने गुस्से पे काबू रखो। हे, अचानक चुप क्यों हो गया? मतलब तू ड्रग्स बेचता है, राज छुपाने को कह रहा है? सर ये ड्रग्स वगैरह मैं नहीं करता। क्या कहा? फिर से बोल। अरे बोलना। सॉरी सर। लेडीज की भर्ती अगले महीने होने वाली है, गलत जगह पर आ गई हो। यहाँ आके भूल की और ऊपर से मेरे ही ग्राउंड पर मेरा रिकॉर्ड तोड़ने की हिम्मत दिखाई और मुझसे बहस भी कर रहा है। दफा हो जा यहाँ से। ऑफिसर तो क्या, वॉचमैन भी नहीं बन सकता तो गेट आउट। ये क्या घूर रहा है? नाम पैसा शोहरत कमा के यहाँ शान से खड़ा है और अपन का बैंड बच गया है। इतना टैलेंट होने के बावजूद लोगों के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा, दिल रोता है मेरा। सब बोलते हैं कि ऊपर वाला सबका ख्याल रखता है, पर तू खड़ा तमाशा देख रहा है, मेरा ख्याल नहीं रखता? मेरा दर्द दर्द नहीं है क्या? पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं आप। हर वक्त दुनिया से बचता फिरता हूँ पर आपने इंसल्ट करवा दी। हर टेस्ट में हीरो था पर यह आवाज बस तमाशा बन के रह गया। हंसने दो सबको, इतिहास रचने के लिए मुश्किलें सहनी पड़ती हैं। लाइफ में चुनौती ना मिले तो कामयाबी का क्या मजा। आप टेंशन मत लो, आप है ना, सब संभालूंगा। हाँ मैं लौटूंगा, ऑफिसर बन के लौटूंगा। तब तक बाय। पुलिस में आवाज को लेकर कोई रूल्स नहीं है जिससे कानूनी तौर पर कोई तुम्हें रिजेक्ट कर सके। यू नो, पुलिस में बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनकी आवाज पतली है। अब डीएसपी किशन को ही देख लो, जिनका हाल ही में ट्रांसफर हुआ था। हाँ, पब्लिक में कुछ भी बोलने से डरता था वो, जबकि पब्लिक में पुलिस ऑफिसर का रौब होना चाहिए। अब भला लड़की जैसी आवाज सुनकर कौन डरेगा? तुम्हारे केस में प्रॉब्लम तिलक राज है, आपका बैड लक है कि वो यहाँ पोस्टेड है। बात ऐसी है, रिटर्न और फिजिकल टेस्ट के रिजल्ट्स ईएसआर भी हम भेजेंगे। इनमें से बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना, तैयारी के ऑर्डर मतलब ट्रेनिंग ऑर्डर इशू करना, ये सब रेंज का काम है। एक बार इसका ट्रेनिंग ऑर्डर साइन हो जाए तो ऑफिसर बनना पक्का है। इसके कैरेक्टर पे सवाल उठा के वो इसे रिजेक्ट कर सकता है। बहुत ही घटिया आदमी है। हर शहर में इलीगल प्रॉपर्टीज हैं, मिनिस्टर से पहचान है और इस बात का उसे बहुत घमंड है। पोस्टिंग के लिए उसी मिनिस्टर से हम भी जाके मिल सकते हैं, लेकिन खाली हाथ जाना ठीक नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं समझ रहा हूँ। एक मिनट रुकिए। ठीक है सर, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है। ज्यादातर बाप लोग बच्चों की जरूरतें नहीं समझते। कुछ लकी बच्चे अपने बाप को क्या चाहिए वो सीधा सीधा बता देते हैं। मेरे बेटे की प्रॉब्लम मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा। आवाज से पुलिस का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अब भी मुझे उम्मीद है। पापा को बोलो टेंशन ना ले। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। या ओ नो, सर, अरे कल्पेश भाई आप ठीक तो है ना? सब चलता है सर, नो प्रॉब्लम, आप चिंता मत कीजिए।
सो के बैठे आ जाओ सर। हे तुम हो, तुम्हें लड़का समझ के बात करो या लड़की समझ के? सर कुछ कहना था आपसे। क्या बोल? सर उस दिन क्या मैंने आज तक कभी कोई ड्रग्स वग्स नहीं लिए। आप चाहें तो मेरा मेडिकल टेस्ट ले सकते हैं, बस जब मैं ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ तो मेरी आवाज लड़कियों जैसी हो जाती है। पापा को आपने बुरा भला कहा तो आई एम सॉरी सर। ए लड़के ज्यादा इमोशनल मत बन, फिर से लड़की बन जाएगा। जैसे ही मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तेरा पुलिस करियर खत्म, इसलिए तुझ पे ड्रग्स लेने का इल्जाम लगाया। पर तेरी मधुर आवाज सुन के छोड़ दिया और ऑफिसर के साथ मिसबिहेव करने का कारण बता के तुझे रिजेक्ट कर दिया। चल भाग। सर सर पुलिस किसी के लिए सिर्फ नौकरी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। हमारी फैमिली में पुलिस का। तू अगर मेरे पैरों की धूल भी चाट ले, जब तक मैं पुलिस में हूँ तू बाहर ही रहेगा। तेरी शक्ल बड़ी मनहूस है, हट। रिजेक्शन का डर था इसीलिए गया था? हाँ? अरे कोई ज्यादा दुश्मनी थोड़ी है उसके साथ, बस मैंने उसका रिकॉर्ड क्या तोड़ दिया, बदला ले रहा है मुझसे। एक तो है भी सीनियर ऑफिसर, कोई छोटा मोटा हवलदार नहीं है, और मेरी किस्मत खराब कि उसकी पोस्टिंग यहीं पर हो गई। कोई और डीआईजी होता तो ये सब होता ही नहीं। फिर भी वो मेरे टेस्ट रिजल्ट्स चेंज नहीं कर सकता, सब रिकॉर्डेड है। उसने मुझे रिजेक्ट किया ना तो उन्हीं रिकॉर्ड्स को प्रूफ बना के केस कर दूंगा उस पे। पर आवाज का मुद्दा बना के मेरे कैरेक्टर पर अगर सवाल उठाया तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उसे अपनी प्रॉब्लम समझाने गया था, पर उसने मुझे ही सुना दिया। उसकी पूरी हिस्ट्री तो तू जान चुका है, तो फिर मुझसे उसके सोशल मीडिया के डेटाबेस लाने को क्यों कहा? ये ले पकड़। सोचा तो प्यार से बात समझ जाएगी, पर वो मुझसे पंगा लेना चाहता है। अब उसकी सारी अकड़ निकालूंगा इसकी मदद से। मेरी बात गौर से सुन। हाँ बोलना। अगर तुझे पुलिस की जॉब नहीं मिली तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। एक सुपर सिंगर शो है मेरे भाई, अगर तू फीमेल वॉइस में गाएगा ना तो ग्रैंड फिनाले तक जाएगा, फिर सिंगापुर, मलेशिया, 2 BHK फ्लैट, ये सारी चीजें इनाम में मिलेंगी तुझे, तू वहां ट्राई कर। हाय आंटी। आइए आइए। मेरा नाम सतपाल सिंह है, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में हेडमास्टर हूँ। यह है मेरी वाइफ अनुराधा और ये मेरी बेटी निवेदा। माइक्रोबायोलॉजी में MS करने के बाद नोबेल हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रही है। आप क्या सोच रहे हैं मैं समझ गया, यही ना कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। चलिए डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। हम अपनी निवेदा के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, इसने आपके बेटे के बारे में बताया। हमें कोई एतराज नहीं है, बस आपकी मर्जी जाननी थी। हमारी बेटी बहुत ही सरल और शांत स्वभाव की है, मतलब कहना चाहिए कि एकदम छुई मुई सी है। जानती हूँ, अपनी आँखों से देखा है, जितना आपने बताया उससे ज्यादा शांत है ये। मैं अपने बेटे से बात करूंगा, इस वक्त उसके हालात जरा ठीक नहीं है। हाँ जानता हूँ मैं, निवेदा ने बताया मुझे, बुजुर्गों ने कहा है कि घर में अगर अच्छे काम हो जाएं तो खराब परिस्थितियां भी सुधर जाती हैं। तन मैं आ गया। ये सब क्या हो रहा है? अगर तुम प्यार का इजहार कर देते तो मैं अपने पेरेंट्स को लेकर क्यों आती? हमेशा मुझे अवॉइड करने की कोशिश में ही रहते हो। बात समझो, ये प्यार व्यार मेरे लिए नहीं बना, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। सब पता है मुझे, तुम्हारे फ्रेंड ने बताया, ये बात सुन के लोग हैरान होते हैं, पर मुझे तो बहुत मजा आया। पता है क्यों? क्योंकि किसी और लड़की के सामने ये सिम्टम्स नहीं आते, पर मुझे देख के आते हैं। मुझे ऐसे ही अवॉइड नहीं करते, मुझे देख के नर्वस हो जाते हो और दिल में घंटी सी बजने लगती है, बस इसीलिए। सच सच बता, मुझसे प्यार नहीं करते? कुछ बताओगे भी या बोलो ना, आज और अभी। हेलो तन्मय जी। अंकल बोलिए। फिजिकल टेस्ट के सर्टिफिकेट लेके जल्दी से जल्दी मेरे पास पहुंचो। क्यों क्या हुआ? पहले आओ तो सही। हाँ
अंकल, अंकल। हाँ तन्मय, इस तरफ आओ। हाँ आया आया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज यही ड्यूटी है। इस जंगल में? रेलवे ट्रैक के पास एक डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी? ये रिपोर्ट्स क्यों मंगवाए? रिटायर्ड आईजी से मिलवाया था ना। हाँ। कल दिल्ली जा रहे हैं, तुम्हारे डिटेल्स मंगवाए हैं। तो मैं डायरेक्ट उन्हें ही दे देता। मुझसे ही बात करना चाहते हैं, मुझे आने को कहा है। और क्लियरेंस टीम एक घंटे में पहुंच जाएगी। एक घंटा? तब तक इस डेड बॉडी पर नजर रखो। मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। कायदे से जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। अंकल, अंकल मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं अरे अंकल सुनो ना, मुझ पे गुस्सा बाद में कर लेना, बस बॉडी का ध्यान रखना, जंगली जानवरों से बचाना। जानवर? खेल रही है, ज्यादा नाटक नहीं। बाप रे। ढक दिया है, अब तू शांति रख। मुझे भूतों के बीच छोड़कर अच्छा नहीं किया।
कहाँ गए? कहां तक भागोगे? आप एक इंसान हो, वहां पर एक भूत है। भूत नहीं होते, डर ही भूत है। जब तक डर है भूत रहेंगे। आओ। तुम हो सर, वहां कोई और भी है, मैं कैसे डराऊंगी अब उसे? आप टेंशन मत लो, इस बार नहीं तो अगली बार सही। यहाँ हर महीने 2-3 मौतें होती हैं। किसी भी तरह से उसे ठीक करेंगे। सुनिए, अब मुझे निकलना है, कल सुबह का मेरा कॉल टाइम है। पेमेंट जल्दी दे दीजिए ना। बाधा कोई आए तो सामना कर शान से, आंखों में आंखें डाल के डर को भगाओ शान से। दिल को शेर बना, दुश्मन बन जाएगा चूहा। डर को मारो, हिम्मत ना हारो, जीत तुम्हारी होगी। भय तेरा शत्रु है, भय ही तेरा पतन है। हिम्मत तेरा मित्र है, वीरता तेरी पहचान है। डर को आंख दिखाओ, डर की कमर तोड़ दो। भरोसा कर भगवान पे, डर पे प्रहार कर। अंदर के सोए आत्मबल को जगाओ और भय से मुक्ति पाओ। कायरता एक श्राप है, एक रोग है, अभिशाप है। सोई हुई शक्ति को जगाओ। मन में अहंकार हो, ज्ञान का अभाव है। तेरे दिल का डर तुझ पे ही हावी है। शक्तिमान बनो, हिम्मत जगाओ। बाधा कोई आए तो सामना कर शान से, आंखों में आंखें डाल के डर को भगाओ शान से। दिल को शेर बना, दुश्मन बन जाएगा चूहा। डर को मारो, हिम्मत ना हारो, जीत तुम्हारी होगी। मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगा। तन्मय, ए तन्मय, तन्मय, ओए, ये क्या? तुम्हें बॉडी का ध्यान रखने को कहा? खैर, क्लियरेंस टीम आ गई है, तुम जाओ। मैं यहां कैसे पहुंचा? मेरे साथ ही क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा सर।
क्या ये हमारा इलाका पड़ता है? हाँ सर। 10-15 बच्चों की माँ बनूंगी और टीचर भी, एक बड़ी फैमिली होगी, तब हम सबसे मिलने आना भैया। हाँ भाई, क्या लगता है तुझे? सर, हेड पे सीवियर इंजुरी है, लगता है ट्रेन से टकरा कर यहाँ गिरी है। और मैं क्या, कोई इन्फॉर्मेशन निकाली तूने? उस लड़की का कोई नहीं था सर, अकेली रहती थी। देखो, अगर ये मर्डर होता तो चेहरा बिगड़ गया होता इसका। क्यों, ठीक बोला ना मैंने? सही बोला सर। मतलब कि ये सुसाइड है? सर, सुसाइड नहीं है सर, इन्हें अच्छी तरह जानता था, बहुत कॉन्फिडेंट लड़की थी। क्या बकवास कर रहा है, कौन है ये? सॉरी सर। ए, तू चुप नहीं रह सकता? ऐसा कर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दे। ओके सर। और अगर कोई बॉडी को क्लेम करने नहीं आए, सेक्शन 174 के तहत क्लोज कर। ओके सर। केस क्लोज मत कीजिए सर, ये सुसाइड नहीं कर सकती। ए, कौन है तू? फालतू में टांग अड़ा रहा है, चल निकल यहाँ से। देख क्या रहे हो, इन लोगों को यहाँ पर क्यों आने देते हो तुम? क्या है सर, मेरी बहन का बेटा है। तो अपनी रिश्तेदारी घर पे निभाओ, यहाँ पुलिस की कार्रवाई में कोई दखल नहीं दे सकता, समझ गए ना? गलत मत समझिए, मेरा भी एसआई के लिए सिलेक्शन हो चुका है, पोस्टिंग के लिए वेट कर रहा। अच्छा, तो ये बात है, ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करना, फिजूल में हमको तंग मत कर। अब जा यहाँ से। पति के मरने के बाद किसी यार से प्रेग्नेंट होकर आत्महत्या कर ली, इस औरत के लिए वकालत कर रहा है? घंटा ऐसा ही बनेगा तू, चल निकल यहाँ से। सर, इस औरत पे कीचड़ उछालने की जगह अपना काम ईमानदारी से कीजिए। क्या बोला, बेईमान हूँ मैं? सर, क्या बकवास कर रहा है? मैं देखता हूँ, लेकिन उसको यहाँ से। अरे मैंने जानता हूँ, चल निकल। चला मेरे साथ, आ जा। पता नहीं क्या खाल लोग आ जाते हैं। अपने पति के आखिरी निशानी को कोई इस तरह मार नहीं सकता, कहीं पर कुछ तो गलत हो रहा है। तो तुम जाकर सच का पता लगाओ, मेरे हिसाब से तुम पुलिस वाले हो, मुझसे जो मदद चाहिए मैं करूंगा। ऐसी डॉल्स में बिंदी तो नहीं होती है, कहीं ये ब्लड तो नहीं है? इसके डिटेल्स दे सकती हूँ मुझे? लैब में टेस्टिंग के लिए कम से कम 0.5 ml चाहिए होगा। फॉरेंसिक लैब में ये काम हो सकता है, मेरी एक फ्रेंड है वहाँ, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तन्मय, ये लो, उस लेडी के मोबाइल के पिछले एक महीने की कॉल हिस्ट्री। ज्यादातर कॉल्स एक ही नंबर से आई हैं, वो भी लेट नाइट को। आप जिस नंबर पर? हेलो। हेलो, अनीता बोल रही हूँ। अनीता, वो प्रॉपर्टी लोन? हाँ अनीता जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक गुड न्यूज है। क्या? होम लोन पे आज ही एनओसी लेटर मिला है। ओ, थैंक यू वेरी मच तन्मय। यू आर मोस्ट वेलकम। घर के डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए हैं। अरे वाह, लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जैसे मैंने सोचा था, इस घर को ट्रस्ट बनाऊंगी। इनॉग्रेशन के लिए तुम्हें ही आना होगा। जब घर के डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे, फिर वकील ने उसे इतने कॉल क्यों किए? अरे यार, ये बार बार फोन कर रहा है। आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाह रहे हैं, The number you have dialed is switched off.
आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने सारे एविडेंस ऑफिस से गायब कर दिए। अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मामला सुलट नहीं जाता मैं अंडरग्राउंड हो जाऊंगा। ओके सर। अरे क्या कर रहा है, क्यों मार रहा है मुझे? क्यों मारा उसे? मैंने किसे मारा है? वही औरत जिसके लिए मैंने फोन किया था। अरे वही प्रॉपर्टी लोन वाली औरत? हाँ वही। भागों की क्या है क्या, मैं उसे क्यों मारूंगा? कॉल रिकॉर्ड देख। तन्मय तू मेरा दोस्त होके भी शक कर रहा है? और क्या, मेरा कॉल देखते तूने फोन स्विच ऑफ कर दिया, शक नहीं होगा? अरे यार मैं बेनामी प्रॉपर्टी के केस की वजह से भाग रहा था, इसका उस लेडी से कोई कनेक्शन नहीं है। मेरी बात सुन, मैं अनीता जी का केस फाइल करने गया था पर उनका एक डॉक्यूमेंट मिसिंग था, इसीलिए मैं उन्हें बार बार फोन कर रहा था। मतलब तूने केस फाइल नहीं किया? नहीं किया यार। तो फिर उसे एनओसी कैसे मिल गया? एनओसी मिल गया, पर ये कैसे हो सकता है? तन्मय शायद उन्होंने लोन चुका दिया होगा। भाई चाय कुल्फी बन जाएगी। उसने तो खाता पूरा पैसा नहीं चुकाएगी। अरे यार उसका रिकवरी एजेंडा यहीं पे आने वाला है, थोड़ा सबर रख यार। आपका ऑर्डर मैम। ये खा लो। हेलो। हेलो। तुम्हारे दिए ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आ गई। अच्छा क्या उसमें, बताओ ना। उसके लिए यहाँ आना होगा। फोन पे बता दो ना क्या लिखा उसमें। पहले यहाँ आओ फिर बताऊंगी। मेरा ना मुश्किल है, बता दो ना। तो फिर एक हाथ दो एक हाथ लो। क्या मतलब, कुछ समझा नहीं। कैसे समझाऊं? हे, इस बात को तुम सीरियसली नहीं ले रही हो, जल्दी बताओ। यही करते रहो, मेरी बात तो कभी समझनी नहीं है। ओके, वो ह्यूमन ब्लड है, बी पॉजिटिव ग्रुप। फॉरेंसिक रिपोर्ट की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसीलिए ब्लड के HDA1 और DNA प्रोफाइलिंग टेस्ट करवाए। वो खून एक प्रेग्नेंट लेडी का ही है। घर पे उसका ब्लड है, ट्रैक पे बॉडी, ये कैसे पॉसिबल है यार, बहुत कंफ्यूजिंग है। हाय सुरमा। हाय, इतना लेट काय को आया रे तू? अच्छा मिल, यही है रिकवरी एजेंट। तुम उससे पैसे लेने गए थे? हाँ हाँ, अनीता जी के क्लाइंट से पैसे लेने मैं ही गया था, एक पैसा भी बाकी नहीं है, सारा वसूल लिया मैंने। उसके बदले बड़ा इंसेंटिव भी मिला, बाइक भी ले ली मैंने। लास्ट टाइम किस नंबर से कॉल किया था उसने? इतना बड़ा अमाउंट हाथ में आने के बाद मस्त दारू पिया, थैंक्स करने के लिए उनको कॉल किया तो बहुत खरी खोटी सुनाई उन्होंने, तंग आके उसी वक्त नंबर डिलीट कर दिया। चेक कहाँ, घर से लिया था तुमने? नहीं नहीं, वो होटल है ना सुंदरा, वहाँ से। पता होता कि ट्रीट मिलेगी तो खा के नहीं आता। कोई नहीं, एडजस्ट कर लूंगा। अच्छा एक प्लेट उत्तपम लाना प्लीज, तू भी कुछ खा ले। तो प्रोग्राम शुरू करें। ए, यहाँ आईफोन रखा था, जिसने भी उठाया तुरंत लाके दे दे मुझे। नहीं लौटाया ना तो मजबूरी में मुझे यहाँ पुलिस को बुलवाना पड़ेगा, सबको अंदर करवाऊंगा। चोरों की बारात, तू भी बोलना यार। अरे छोड़ेंगे नहीं। ए मैनेजर, चले इधर जल्दी। कहिए सर। ए सर, यूएस से लेके आया था, क्या लाया था? आईफोन। हाथ साफ करने गया, वो इधर से साफ। सर ऐसे लोग नहीं है यार। वेज रेस्टोरेंट में नॉन वेज कहाँ से मिलेगा भाई? अबे अगर गलत बोल रहा हूँ तो सच क्या है वो बोल। दे दे फटके दे इसको। कौन बोल रहा है? अरे बाप रे, ये बेवड़ा यहाँ। आईफोन आपका एप्पल वाला, किसी और ने चुरा लिया। कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? MBA सर। इतनी बड़ी डिग्री है और तुम्हारी कहाँ तक? अभी अभी नीट का एग्जाम दिया है। मेरी भी नीट पीने की आदत है। मैं बताऊँ क्या, तुम दोनों सेंडी लगा रहे हो। ये तो बैंड बजा देगा। बेवड़े पे कौन यकीन करेगा? सर आप प्लीज जाइए यहाँ से। जमाना खराब आ गया, कोई यकीन ही नहीं करता। फोन कहाँ? यहाँ चोरी नहीं होती सर, CCTV फुटेज पर चेक कर लीजिए। क्या बोलता है? ठीक है ठीक है सर, फोन तो नहीं है। फोन टेबल पर रखा है, वो भी सामने। चल जूम कर थोड़ा। सर जूम करके देख लिया सर, आपका फोन टेबल पर तो नहीं दिख रहा। फोन को कवर कर दिया इसने, खानदानी चोर लगता है। ए, अरे सर, 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 पुलिस को फोन मत कीजिए, मैं मैनेजर को बुला के लाता हूं। जल्दी बुला के ला। जो जो कैसा अनपढ़ है, कैलकुलेटर को फोन समझ लिया। चल हम अपना काम करते हैं। क्या डेट बोला था उसने? 26 तारीख। देख वो रहा हमारा बंदा, ये वो औरत शायद ही अनीता जी। सही बोल रहा है, वही है यार, इस एंगल से तो फेस ही नहीं दिख रहा। दूसरा कैमरा लगा। ये क्या एरर? एरर छोड़, सुन जो लड़की अंदर गई वो बाहर आएगी भी यार, तो दिख जाएगी।
अरे चेहरा नहीं देख पाए, क्या हुआ? अब क्या कर रहा है? अरे यार, ये तो वो नहीं है, कोई और लड़की है। अनीता का पेंडिंग लोन कोई और चुकाने जाता है और डॉक्यूमेंट्स रिलीज करवाता है। डॉक्यूमेंट्स के मिलते ही अगले दिन उसकी मौत हो जाती है। ये सुसाइड बिल्कुल नहीं हो सकता। लोन चुकाने वाले ने ही मार डाला उसे, या तेरे जैसे किसी कलेक्शन एजेंट ने? मेरे जैसे? दिखने में भिखारी हूँ, खूनी नहीं। एक बात बता, किस किस ने लोन लिया है, कौन उसे चुका पा रहा है, कौन नहीं चुका पा रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन या तो बैंक के पास होती है या कलेक्शन एजेंसी के पास। तीसरे आदमी को कैसे पता चलेगा? डेटा एक्सचेंज, एक छोटे से प्रॉफिट के लिए बैंक कस्टमर्स की सारी सीक्रेट डिटेल्स गलत लोगों को बेचते हो। भूल गया, इस डेटा एक्सचेंज के चक्कर में उस चाय की दुकान पे एक कटिंग चाय की खातिर डेटा देने को कौन तैयार था? संजीव। उसने सिर्फ पूछा, पर पेपर्स खरीदने वाला कोई और है। कौन था वो? जॉनी। बिल्कुल सही, वही वो आदमी है जो कर्जदारों का फायदा उठा रहा है। हाय जॉनी। इस बार किसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए? अबे ओए, इस पर तो मेरा नाम लिखा है। हाँ जॉनी, तुझे ही ढूंढ रहा हूँ। ये क्या मेरे भाई, बोल के मारना था ना। नाजुक नाक है, देखो हड्डी टूट गई। चलो बताओ, तुम्हें मुझसे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? बिल गेट्स का लोन अमाउंट बताऊं या तुम्हें लोन दिलवाऊं? इस प्रॉपर्टी लोन की इन्फॉर्मेशन तूने किस किस को दी है? ब्रो, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सारी की सारी एजेंसीज मुझे फेसबुक के, ट्विटर के, लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने के लिए बोलते हैं। लेकिन बैंकिंग और टेलीकॉम के डेटाबेस खरीदने वाले ना तो किसी का नाम पूछते हैं और ना ही किसी का एड्रेस। ब्रो, क्या तुम्हें एक चीज पता है? लोगों के पर्सनल डिटेल्स आजकल बड़ा बिजनेस हो गया है। एक खास बात, प्रॉपर्टी लोन्स का इन्फॉर्मेशन लेने वाले बैंक्स, फाइनेंशियल कंपनीज, बड़े बड़े स्टेट एजेंसीज, बिल्डर्स, लैंड ब्रोकर्स, सबकी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। ये लोग मुझसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बाय नहीं करते, क्योंकि ये डेटा एक्सचेंज कहीं लीगल है तो कहीं इलीगल है। मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए, उसके बदले में मैं उन्हें पूरी डिटेल्स दे देता हूँ। जो लोन की लिस्ट मैंने उन्हें दी थी, वही सेम लिस्ट मैं तुम्हें भी दे रहा हूँ। इनमें से तुम अपने मतलब की चीज खुद ही ढूंढ लो। अच्छा भाई सुनो, तो तुम्हारे एक मुक्के से मैं समझ गया कि किसे भले काम के लिए सब कर रहे हो। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा नाम और मेरा एड्रेस कभी किसी को मत बताना प्लीज। आप कौन हो? मैं इसका भाई हूं। क्या काम है? मेरे घर के पेपर्स आपके हाथ में कैसे? आपका घर लोन पे था ना, हमने उसे चुका दिया, इसलिए आज के बाद से ये घर हमारा है। ये क्या, मेरे साइन के बिना बैंक ने पेपर कैसे रिलीज किए? बैंक पे केस करूंगा मैं। केस शौक से कर दीजिएगा, पर पहले इस पे साइन कीजिए। इस बुड्ढे बुढ़िया ने तो नाक में दम करके रखा है। छी, ये तो फर्जी है। क्यों बे, तुझे क्या लगा मैं अकेला हूँ इस घर में? इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। कौन है आप, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? हाँ ये क्या, अरे 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 ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो उसे, छोड़ो, अरे अरे छोड़ो उसे, ये पर साइन कर। भगवान के लिए छोड़ो, मैं कहीं भी साइन करने के लिए तैयार हूँ। साइन कर। हेलो,
हेलो मिस्टर दुबे। हाँ बोलिए। आपके प्रॉपर्टी लोन के रिगार्डिंग डीबीएल बैंक से बोल रहा हूँ। वो लोन का अमाउंट तो मैंने कब का चुका दिया है। ओके ओके सर, थैंक यू। लोन चुका दिया है, डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। हेलो मिस्टर पांडे, आपने एक लोन लिया था। हाँ वो लोन तो मैं कब का पे कर चुका हूँ और बैंक ने सब कुछ क्लोज भी कर दिया है। ओके थैंक यू सर। हेलो मिस्टर अनामया। हाँ बोल रहा हूँ। आपने प्रॉपर्टी लोन लिया है ना। मैं रेगुलरली पे करता हूँ सर, मेरा ईएमआई टाइम पे जाता है। ओके ईएमआई भर रहा है, डॉक्यूमेंट्स बैंक में ही है, मतलब इन प्रोसेस है, तो उसको ब्लू से मार्क करता हूँ। ये नंबर सेवा में नहीं है, कृपया नंबर की जांच करें। लोन क्लोज है और प्रॉपर्टी ओनर नॉट रीचेबल है, मतलब लफड़ा, रेड मार्क। हेलो वो तो यहाँ नहीं रहते। आपका लोन दो तीन महीने पहले मर गए। नहीं नहीं हमें पता नहीं, प्रॉपर्टी ओनर में वो तो नहीं हो गया। कितनी बार भरूंगा उनको क्या मालूम, कॉल मत करना। नहीं नहीं वो यहाँ नहीं रहते। The number you have dialed is switched off. हमारे शहर में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति दामोदर और मालिनी की नौकर देर रात को मौत हो गई। उनके बच्चे कई सालों से विदेश में थे। ऐसा बताया जा रहा है कि अकेलेपन से तंग आने की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर दी। सूत्रों के अनुसार उन्होंने अपने अंतिम संस्कार के लिए पैसे बचा के रखे थे और लाश के साथ पुलिस को दामोदरन की लिखी एक सुसाइड नोट भी मिली है। पड़ोसियों को इस घटना की भनक तक नहीं लगी। एक डिलीवरी बॉय ने पुलिस को इस घटना की इत्तला दी। पुलिस ने पूछताछ करने के बाद दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्राइम बीट के ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दामोदरन की डेथ हो गई, फोन स्विच्ड ऑफ है, रेड मार्क। अनीता भी नहीं रही, उसका भी फोन स्विच ऑफ था, फिर से रेड मार्क। तो फिर बाकी रेड मार्क्स भी। मिस्टर रवि मोहन इस बिल्डिंग के ओनर हैं। उनकी डेथ तो एक एक्सीडेंट में हो गई, इस बिल्डिंग को किसी और ने खरीद लिया है। मिस्टर पांडे, उसके बारे में ऐसा आपने लोन कब भरा था? 4 महीने पहले। ध्यान दो। सॉरी। His death। जितने भी नाम पे लाल मार्क है, उन सब की प्रॉपर्टीज बेच दी गई है और प्रॉपर्टी के सारे ओनर्स मर चुके हैं। और अब वो प्रॉपर्टीज जिन लोगों के नाम पे है, वो सब अलग अलग लोग हैं। कुछ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ तो मिसिंग है। अब मैं पढ़ के सुनाती हूँ।
पिछले कुछ सालों से कई शहरों में भारी तबाही आई है। 12 मई 2007 को आकाश साइक्लोन आया था। समंदर से 15 मई को शुरू हुआ था। निशा साइक्लोन भारत और श्रीलंका के बीच घूमता रहा। आकाश साइक्लोन ने निशा हमारे शहर में भारी तबाही मचाई। इससे काफी लोगों को परेशानी हुई और नुकसान भी हुआ। सभी बिल्डिंग के नाम साइक्लोन पे आधारित हैं। इसका मतलब इसे बनाने वाला कोई एक ही बिल्डर होगा। शक सही निकला। सारी बिल्डिंग्स विंड ग्रुप ऑफ कंपनीज ने बनाई हैं, पर इसका ओनर कौन है? कहीं देखा है इसे मैंने? सोशल मीडिया के सारे डेटा हैं इसमें। ये ले पेन ड्राइव। ये चक्कर क्या है? कंपनी का एमडी और डीआईजी के बीच कोई तो लिंक है। समझ गया, जहां जहां डीआईजी की पोस्टिंग हुई उसी वक्त उन्हीं शहरों में इस कंपनी ने नई नई बिल्डिंग्स बनवाई। यस, हेलो, कैसे हैं डीआईजी सर? हूज दिस? मैं हूँ सर, वही जिसने आपके 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, ड्रग्स वाला। ए, खूबसूरत हसीना तू है। तेरा रिजेक्शन लेटर यहाँ मेरे सामने ही रखा है, मैं साइन करने ही वाला था कि बिल्डिंग ने रास्ता काट लिया। सर 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 प्लीज सर प्लीज सर रहम करिए सर सर प्लीज सर। ऐसे ही गिड़गिड़ाते रहो पर तेरी बर्बादी पे साइन करके रहूंगा। सर प्लीज प्लीज साइन मत कीजिए सर। सर मेरे गांव वालों को मुझसे बहुत उम्मीद है सर, साइन मत कीजिए प्लीज, हाथ जोड़ता हूं। साइन कर दिया। जब तक मैं डिपार्टमेंट के अंदर हूँ तू कोई ऑफिसर तो क्या, एक वॉचमैन बनने के लायक भी नहीं रहेगा। याद है ना उसी दिन कहा था मैंने? याद है। दिया जी सर। मेरी बात भी याद रख, जिस दिन मैं ऑफिसर बनूंगा ना तू डिपार्टमेंट से बाहर होगा। विंड ग्रुप ऑफ कंपनीज। सुन के झटका लगा, आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए सर। बाय। तिलक राज हमारी बिल्डिंग्स के बारे में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। उसका सीसीटीवी फुटेज मैंने सेंड किया है। इसका इलाज करना पड़ेगा।
जो भी मर्डर करते हैं उसे सुसाइड या एक्सीडेंट का रूप दे देते हैं। वहां पर बिना कोई सबूत छोड़े उनसे डॉक्यूमेंट्स पर साइन लेके उनको मार देना ही हमारा काम है। हम सिर्फ प्रोफेशनल किलर्स हैं। अनीता का क्या? मैं साइन नहीं करूंगी। साइन मार। ये बच्चा और ये घर मेरे हस्बैंड का सपना था। बस एक साइन चाहिए, बच्चे के साथ जीने का आखिरी मौका। मुझे छोड़ दो, बच्चे की खातिर मुझे छोड़ दो। बोल। साइन मिल गया है। वेल डन माय बॉयज। और एक छोटी सी गलती हो गई है। क्या हुआ? सर पे चोट लगने की वजह से फांसी नहीं चढ़ा सकते। ठीक है, बॉडी जंगल वाले एरिया के रेलवे ट्रैक में फेंक दो। मेरे रेंज में है, मैं संभाल लूंगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैं देख लूंगा। ओके सर। ऐसे लोगों को ढूंढते थे जो बिल्कुल अकेले रहते हो, जिनके आगे पीछे कोई पूछने वाला ना हो। उन्हें जान से मार कर उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेते। विंड ग्रुप के रविशंकर जी हमसे ये सारे काम करवाते थे। और फिर वहां पर मॉल, होटल और टावर बनवाते थे। और इन सबके पीछे का मास्टरमाइंड है DIG तिलक राज। दिखने में कितना शरीफ है लेकिन काम करता है राक्षसों वाला। ऐसे आदमी का तो एनकाउंटर कर देना चाहिए। हट। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जवाब दीजिए। जब तक मैं डिपार्टमेंट के अंदर हूँ तू कोई ऑफिसर तो क्या, एक वॉचमैन बनने के लायक भी नहीं रहेगा। जिस दिन मैं ऑफिसर बनूंगा ना, तू डिपार्टमेंट से बाहर होगा। पुलिस ने राज्य में होने वाली जिन मौतों को सुसाइड केस और एक्सीडेंट केस बताकर उनकी फाइल क्लोज कर दी थी, आज उनका सच सामने आ गया है। पता चला है कि इन सब का DIG तिलकराज के कहने पर मर्डर किया गया था। पुलिस ने DIG तिलकराज और उनके सभी सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। हमारी पुलिस फोर्स पब्लिक पे होने वाले किसी भी तरह के जुल्म और अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी। क्राइम करने वाला कोई भी हो, पुलिस का अधिकारी क्यों ना हो, उसे ना तो पुलिस बख्शेगी और ना ही कानून बख्शेगा, जिससे लोगों का विश्वास बना रहे। और ये बात प्रूव हो गई है। एंड यस, इस केस को सिर्फ एक अकेले इंसान ने अपनी सूझबूझ से सॉल्व किया है। हमारे शहर के मिस्टर तन्मय ठाकुर, जो बहुत जल्द पुलिस फोर्स ज्वाइन करने वाले हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। थैंक यू एवरीवन। सर, सर, एक्सक्यूज मी सर। यस। क्या मिस्टर तन्मय इस केस के बारे में कुछ बता सकते हैं? श्योर श्योर।
तन्मय बेटा, सब ठीक हो गया? बिंदास बोलो। सभी को मेरा प्रणाम। बिना पुलिस की वर्दी के आपने सीनियर पुलिस वाले का पर्दाफाश कैसे किया? किसी जुर्म को रोकना सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती है, एक सच्चे नागरिक के तौर पे हमें भी कुछ करना चाहिए। पुलिस ही हमें बचा सकती है, ये सोचना गलत है। शक्तिमान बनो, हिम्मत जगाओ, मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगा, क्योंकि तुम मेरे वंशज हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। नैवेद्य समर्पयामि, स्वीकार कीजिए इसे। घूर क्या रही हो? 2:45 का अलार्म रखा है। चुप चुप, बंद हो जाओ।